हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग मोबाइल में जावा स्क्रिप्ट को ऑन कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को इनेबल नहीं कर पाओगे और डिसेबल नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए आओ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑलवेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाती हैं। चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको बताते हैं आपको जावा स्क्रिप्ट को ऑन कैसे करना है, इनेबल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से बैक आना है एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को खोलना है, ठीक है। गूगल क्रोम को खोल लेने के बाद आपको यहाँ पर अपने ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको नीचे की साइड में सेटिंग्स का आइकन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपको सेटिंग्स का आइकन दिखाई देगा यहाँ पर गूगल क्रोम में। सिंपली इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आपको नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद आपको एक सेटिंग्स यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर लिखा रहेगा साइट सेटिंग, ठीक है। यहाँ पर साइट सेटिंग लिखा रहेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको नीचे यहाँ पर जाना है, नीचे चले जाना है और यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप लोग इसको ऑफ कर सकते हो, इसको ऑन कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो और डिसेबल भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।